नमस्कार एंड एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमेजमेंट ब्लॉग्स में। 2 महीने से हम ये न्यूज़ सुनते आ रहे हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान पे अपना पकड़ मजबूत किए जा रहा है। अभी तक तालिबान ने अफ़गानिस्तान के 90% बॉर्डर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि तालिबान है कौन और ऐसा क्यों हो रहा है। ये पूरी कहानी 1989 के समय से चलता आ रहा है। अफ़गानिस्तान को शुरू से ही एक मोहरा बनाया गया है। सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच कोल्ड वार चल रही थी, तभी सोवियत यूनियन द्वारा अफ़गानिस्तान में एंट्री हुई। इसके पीछे 2 रीज़न था, पहला आइडियोलॉजी और दूसरा था जियोपॉलिटिक रीज़न। आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अफ़गानिस्तान में जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी उसको बदनाम किया जा रहा था हफीजुल्ला अमीन के द्वारा, और इसीलिए सोवियत यूनियन ने उन्हें मरवा दिया। बल्कि बात करें जियोपॉलिटिकल रीज़न की तो वो ये था कि एक और देश सोवियत यूनियन में शामिल हो जाता। हफीजुल्ला अमीन के मर्डर के बाद सोवियत यूनियन ने बाबरक करमाल को यहाँ का लीडर बना दिया। बाबरक करमाल ने अफ़गानिस्तान की बहुत सा हद तक कंडीशन सही कर दिया था। उन्होंने 27 पॉलिटिशियन प्रिजनर्स को छुड़वाया। उसके बाद उन्होंने रेड कम्युनिस्ट फ्लैग को एक न्यू कलरफुल फ्लैग में चेंज कर दिया। उसके साथ ही साथ उन्होंने पब्लिक को बहुत सारा हक दिया, जैसे कि राइट टू स्पीक, राइट ऑफ फ्रीडम एंड ऑल। इसे देख यूएसए की टेंशन बढ़ने लगी थी और उन्होंने रिवेंज लेने के लिए अफ़गानिस्तान के अपोजिशन आइडियोलॉजी वाले मुजाहिदीन के सपोर्टर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मुजाहिदीन एक गोरिल्ला फाइटर्स थे जो कि पहाड़ के बीच छुपकर फाइट किया करते थे। यूएसए ने उन्हें वेपन्स के साथ साथ इकोनॉमिकल सपोर्ट भी दिया। 1988 में अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद नाजीबुल्ला ने पाकिस्तान के साथ जीवेना एकॉर्ड साइन किया, जो कि बेसिकली एक पीस एग्रीमेंट था विथ नो इंटरफेरेंस, और इस एग्रीमेंट के गारंटर थे सोवियत यूनियन और यूएसए। इसके बाद कुछ दिनों तक शांति बनी रही, फिर भी बीच बीच में सिविल वार होते रहे। अब सत्ता के लालच के लोग मुजाहिदीन के टुकड़े करना चाहते थे, और यहीं से शुरुआत होता है तालिबान के सफ़र का। पोस्तून लैंग्वेज में तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट। इसका शुरुआत मुल्ला उमर ने 50 स्टूडेंट्स के साथ एक ग्रुप बनाकर किया। उसके बाद पाकिस्तान के कुछ रिफ्यूजीज ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। अमेरिका की आर्मी जो कि अफ़गानिस्तान में आई, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था 1911 का अटैक। 9/11 अटैक का कंडक्ट कराने वाला ओसामा बिन लादिन को छिपाने के लिए तालिबान ने उनका मदद किया था। बस यही रीज़न था कि अमेरिका ने अपनी आर्मी अफ़गानिस्तान में भेजी और जगह जगह पर एयर स्ट्राइक्स कराए, जहां पे भी उन्हें टेररिस्ट के छुपे होने का शक था। 2015 में ये न्यूज़ आई कि तालिबान के ओरिजिनल लीडर मुल्ला उमर की मृत्यु 2013 में ही हो गई थी किसी छोटी सी बीमारी के चलते। उस समय तक वहाँ पर अमेरिकन आर्मी मौजूद थी और उन्होंने तालिबान को बहुत हद तक कंट्रोल में रखा था। बीच बीच में तालिबान ने बहुत सारे अटैक्स भी करवाए। उसके बाद जैसे ही फेब ऑफ 2020 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने पीस टॉक शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान अपना रिलेशन अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ ख़त्म करता है तो अमेरिका अपनी आर्मी को वहाँ से वापस ले आएगी, क्योंकि वहाँ पे यूएस का बहुत बड़ा अमाउंट $2 ट्रिलियन का खर्च होता था अपने आर्मी को मेंटेन करने के लिए। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि अमेरिका अपनी आर्मी को अफ़गानिस्तान से वापस लेने वाली है, तभी तालिबान ने 2021 में फुल सपोर्ट के साथ 85,000 से ज़्यादा फाइटर्स को लेकर अफ़गानिस्तान के शहरों में निकल पड़ी। और यूएसए के तरफ से जो बिडन का ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के एग्रीमेंट पे हम कायम रहेंगे और अमेरिकन ट्रूप्स को वहाँ से वापस ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम तालिबान पे हमें विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन अफ़गानिस्तान की सोल्जर्स पे मुझे पूरा भरोसा है। 3 लाख सोल्जर्स अगर चाहें तो तालिबान के 85,000 फाइटर्स को ईज़िली रोक सकते हैं। अभी के समय में अफ़गानिस्तान एक बहुत ही बुरे समय से गुजर रहा है। हमें ये भी सुनाई दिया है कि वहाँ के राष्ट्रपति उस देश को छोड़कर जा चुके हैं। कुछ क्लिप्स मैंने डाल रखे हैं अफ़ग़ानिस्तान के, जिसे देख आप इजीली अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की स्थिति अभी क्या बनी होगी। तो ये था अफ़ग़ानिस्तान तालिबान के
फुल कंट्रोवर्सी का एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो। अब आपसे मुलाकात है एक अलग वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और सब आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।